मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के गुना में, जहां सरकारी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक से बदसलूकी की गई। गुना में नेशनल हाईवे की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रित नहीं किया गया। शिलान्यास वाले पत्थर पर भी उनका नाम नहीं था, जिसके बाद स्थानीय कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मंच से ही इसका विरोध जता दिया। विरोध करने के बाद मंच पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस विधायक को मंच से धक्का देकर नीचे उतार दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधायक को मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी धक्के देकर मंच से नीचे उतार रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इसकी निंदा की है, साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इसे लेकर कड़े कदम उठाने की अपील की। सारे नेताओं के नाम डालते हुए, विधायकों के नाम, मुख्यमंत्री का नाम, प्रभारी मंत्री का नाम, यहाँ तक कि हमारे पड़ोस के क्षेत्र के सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी का भी नाम उसमें उल्लेखित था, किंतु क्षेत्रीय सांसद श्रीमान सिंधिया जी का नाम को काटा गया है, जो निश्चित रूप में अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। मैंने जब मंच के ऊपर माननीय गडकरी जी को और मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि देखिए हमारे क्षेत्र के सांसद को आपने नहीं बुलाया है, तो मंच से मुझे धक्के देकर निकाला गया, जबकि मैं वहाँ का विधायक हूँ, क्षेत्रीय विधायक हूँ उस क्षेत्र का। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार इस पर निश्चित रूप से कड़ा कदम उठाएगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस में तलखी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह सरकारी मंचों पर खुलकर नजर आने वाली राजनीति को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। क्या वाकई किसी आयोजन से जनप्रतिनिधि को अपमानित कर भगाया जाना चाहिए? इस बात का जवाब खुद मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।